अब थानी एक बात मारवाड़ी में कह दू से कहू चु बे तो करीब करीब पतो छे लेकिन एक बात बता दू कह दू कहीं पक्की बात नाराज बनाओ जो हाँ भाई थाके कहीं छे थे ब्या मान लो चौको नहीं मान लो घर में मान लो ना जना कोठार भी करो भाई ये मान तीन दिन पहला लाडू और बूंदिया बनेगा जाए कोठार में रखांगा मेलो ना जब लाडवान बना के बैठे मेलो और भी की चाबी कुंड दे जो अरे नहीं नहीं झूठ बोलो तो आजकल तो मामा ने नाना ने दादा ने कौन मिले आजकल तो साला ने मिले थे साला ने सच्चाई है ना खैर तो चाबी कोई नहीं मिलो मिल जाए तो माने थे काई थी एक वो प्रधान की चाबी थी छोटा ताला की चाबी और छोटे छोटे तालो क्या ने करे जटे पूड़ी सब्जी पकौड़ी और सेव ए छपरा में टाण में चतरा के नीचे बने बा चाबी मान दे थी जो को मारे प्रधान बा खुआए फिर रहे खा लो पूड़ी सब्जी खा लो सेव खा लो और थाके मन में आवे छे लाडू की कि लाडू खावा अब लाडू की चाबी तो देना किए थे विधायक जी ने बड़ा कोठार की चाबी और छोटा कोठार की चाबी माने तो भाया देखो बात यह छे 25 तारीख ने भी चाबी को फैसलो होनु छे भी कोठार की कि आ मामा ने मिले साला ने मिले नाना ने मिले कोई नहीं मिले अगर विद्या भाया ने मिलेगी ना तो पूरी सब्जी भूल जाओगा लाडू ही खाओला लाडू ही खाओला पूरी सब्जी तो जद खावाला जब लाडवासू थक जावाला बात है ना सही तो शाकंभरी राज रानी की बालाजी महाराज की देवनारायण भगवान की बाबा साहब की रामदेव बाबा की पीर साहब की। देखिए भाइयों आज 2023 का चुनाव आपके 5 दिन आगे है सिर्फ 18 का चुनाव में 5 साल होने को जा रहे हैं ये 18 में प्रत्याशी था विद्याधर सिंह चौधरी और आज भी प्रत्याशी है आपने अंतर पाया कोई नहीं पाया ना अब आप देख लीजिए कि समय समय की बात है समय कितना बलवान होता है मैंने 18 के चुनाव हारने के बाद में एक दृढ़ निश्चय किया कि 36 कौम को साथ लेके चलूंगा 36 कौम को साथ लेके चलूंगा और आपने देखा 5 साल में सारे ढोल नगाड़े कांग्रेस के बजे चाहे जिला परिषद बनी हो चाहे नगर पालिकाएं बनी हो चाहे पंचायत समितियां बनी हो जो भी चुनाव आए वो आपने जीते आपके लोगों ने जीते कांग्रेस पार्टी ने जीते क्यों जीते क्योंकि हम 36 कौम की माला को हमने सरोज के रखा संभाल के रखा। अब देखिए बातें सारी वक्ताओं ने खूब कह दी मैं आपसे ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं काम करने में विश्वास करता हूं झांसे पट्टी में विश्वास नहीं करता हूं। आपने देख लिया कि विद्या भाई ने जो कहा वो पूरा होगा ही होगा होगा। आपके नेता डॉक्टर सिंह जी थे उनके स्वभाव भी यही था कि एक बार जो बात कह दी वो लोह की लकीर होती थी लोहे की लकीर होती थी मिट नहीं सकती थी। देखिए सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलाई है और बीजेपी की विचारधारा अलग है कांग्रेस की एक विचारधारा है दो विचारधाराएं चल रही हैं। मैंने 18 में हारने के बाद में एक फैसला आपके सामने किया था कि चुनाव 2023 का होगा वो विचारधारा पे लड़ूंगा विचारधारा पे लड़ूंगा कोई जाति पाति
कोई समाज गैर समाज से नहीं, 36 कौम के साथ मिलके और विचारधारा का चुनाव होना चाहिए। हुआ था कि नहीं, हाथ खड़े करके बताओ, कहा था ये बात और उस बात में खरा उतरा कि नहीं उतरा? और जब भी आपको विद्या भाई की जरूरत पड़ी तो विद्या भाई को आपने बीच में पाया कि नहीं पाया? तो आप देखो, 10 गारंटी तो पहले मुख्यमंत्री जी ने दी थी महंगाई राहत कैंप की, और 7 गारंटियां अभी दी है आपको, और 8वीं गारंटी विद्या भाई दे रहा है फुलेरा की जनता को। क्या कि आप विधानसभा में मुझे भेजोगे तो विद्या भाई का साथ आप हमेशा अपने साथ पाओगे, कभी यह सोचने को मजबूर नहीं होगे कि आज हमारे बीच में विद्या भाई कहां चला गया, जैसा लोग करते हैं। यह गारंटी है, 18वीं गारंटी है आपकी विधानसभा की। देख लीजिए आप, सरकार हमारी थी लेकिन जब लोगों के हित की बात आई तो हम सरकार के सामने भी मजबूती से अपना पक्ष रखा कि नहीं रखा? उस टाइम हमारे विधायक साहब कहां थे बताइए, कहां थे? तो ये विधायक का काम है क्या कि जब जनता मुसीबत में हो और विधायक अपने घर सो रहा हो, अरे भाई उनको क्या डर था? डर तो मुझे था, सरकार मेरी थी, एक्शन होता तो मेरे पे होता कि नहीं होता? लेकिन सरकारें ऐसे नहीं होती है, सरकारें संजीदा होती है, वो ये देखती है ये जनता के हित का जुड़ाव की बात कर रहा है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और रातों रात आपके साथ इंसाफ हुआ, और आपको मैं आज इस बात मन से बता रहा हूं, जो इंसाफ आप अपने दिल्ली में लिए बैठे हो, अगर विधानसभा में मौका मिला वो इंसाफ भी आपका मैं आपके साथ मिलकर पूरा करूंगा। समझ गए मेरी बात को इशारे में? बस अब देखिए, बात आती है काम की और काज की, सड़के की, नाली की, पानी की। एमएलए के लिए ये कोई बड़े काम नहीं है, मैंने तो हारने के बाद भी जितने काम विकास के होने चाहिए थे उतने हुए, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। आप भले संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारे कॉलेज आ गया, हमारे क्या नाम एसडीएम कार्यालय वहां रेनवाल में खुल गया, हमारे ये हो गया, हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज आ गई, वहां कॉलेज वो क्या नाम कस्तूरबा गांधी हॉस्टल आ गया, सड़कें आ गई, लेकिन भाइयों अपन 50% पीछे रहे। 50% अगर आपका विधायक 18 का जीत के जाता तो ये नतीजे ही डबल होते। अब आता नहीं थे, गौर कर लीजिए, ज्यादा भाषणबाजी में कोई मतलब तो निकले को नहीं, आप हमेशा ही बड़े बड़े चिड़के देता, मैं तो एक ही बात जानू छू थे मैंने, अरे विधायक बना की भेजोला तो आगलो चुनाव लड़ूला को नहीं था, सबके सामने कर जू भरी सभा में, 28 का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, इसलिए नहीं लड़ूंगा कि मैं कमजोर हूं या लड़ना नहीं चाहता या कोई और वजह है, सिर्फ एक ही वजह है कि 5 साल में आपका इतना काम कर जाऊंगा कि 25 साल तक आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। ये जो आपके बच्चे 18 साल के पहली बार जो वोट दे रहे हैं ना, वो 28 के बाद में ये पूछेंगे, भाई वो आपके लड़वाए चाहे कुंड चाहे क्या फलानू, विद्या भाई साहब जी को छे कोनी और विद्या भाई जी ना छे कोनी, यो सवाल पूछोगा थे, यो सवाल पूछोगा। और 25 साल तक जो को भी लड़ा को भी कंट्रोल में रखोगा, मानने वो विद्या भाई जी को चाहिए बावड़ो, वो बावड़ो चाहिए जगह ने कोई मतलब ही कोनी, अठे जो को आज का एमएलए का कोई आपको परिवार पाड़वा के लिए, कोई घर भरवा के लिए,
कोई आपके रिश्तेदार की सेवा करवा के लिए, और वो जो मूसल है ना थाके आंगन में पड़े रहे, क्या मैं जो कूटता रहा कुटा राबड़ी गेहूं दलियो चीन कूटो चो ना, और बिन फेर आंगना मान पटक दे जो वो बरसात के माने पानी में फाड़ जाए जे, कालो जाए जे, पीड़ो हो जाए जे, दोड़ो हो जाए जे ना, और वो फिर भी वो बीसवीं काम चलाओ जो बिके खाती गिन जाके बिके लुहार गिन जाके बिके बंगड़ा घुस लाओ जो, अरे भाई काम चलाओ लाई सुई तो विद्यो भाई तो थाको भाई थाको छोटो भाई बड़ो भाई थाको बेटो, ये मेरी माताएं बहने बेटियां बेटी है, इनको भी मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये आपके आंगन का वो मूसल है जिसका धूप छाया में कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ सेवा के लिए बना है, सिर्फ सेवा करना उद्देश्य है। और मेरा तो एक ही प्रण है कि डॉक्टर हरि सिंह जी ने जो भाव आपके प्रति कर्मस्थली बनाई थी उसमें कुछ बातें रह गई है, उस बात की मैं आपको ये गारंटी देता हूं, उसका वो जो प्रण था कि मेरी जनता मुझे कम से कम 20-30 साल और याद करती रहे, 40 साल तो ये भाई 5 साल दे देना आप, आपको 25 साल की मेरी याद आएगी, तो उससे पहले डॉक्टर हरि सिंह जी की याद आएगी। अब मुझे तो इतना आश्वासन बता दो कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध लूं क्या, 23 तारीख को नाचने के बीच में शामिल हो जाऊं क्या आपके, पक्की बात है? तो भाई आज के बाद में अपने इस बड़े भाई छोटे भाई को मान के और ये तय कर लेना कि 18वीं गारंटी है, ये फेल नहीं नहीं होने वाली है, और सभी समाज को सभी कौमों को और सभी समाज को एक समान लेके और आपका भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा, यही विद्या भाई की इच्छा है। और कोई गलत बात को मत समझना कि विद्या भाई इस 68 साल में यहां आपके बीच में आया है तो कोई और इरादे से नहीं आया, उस पिता की उस जो अधूरे सपने रह गए थे कि भाई मैं मेरी जनता की और सेवा करता, वो कोरोना काल आया, उनको 100 साल उनके पूरे हो गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी याद आपको 25 साल तक दिलाता रहूंगा, इतना काम आपके बीच में करूंगा। रहा सवाल सरकार चाहे हमारी बने जो बनने जा ही रही है, लेकिन कई लोग उल्टी बात भी करते हैं कि जब एमएलए जीतोगे जब बनोगे ना तो वो तो हम तो मान रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, लेकिन सरकार अगर बने हमारी तो आप मान लेना जो आपके मन में आपने ठान रखा है वो सारे काम आपके होंगे, सारे काम होंगे, कोई गलती कहीं रह गई तो विद्या भाई तो उसी तरह खड़ा रहेगा जिस तरह से पहले खड़ा था, जो 5 साल आपके बीच में रहा ना वैसे रहेगा, लेकिन मैं 150% कह रहा हूं, लोग तो 100% कहते हैं, 150% कह रहा हूं, कांग्रेस वापस सरकार बना रही है, बना रही है, बना रही है। अब लोग कहते हैं अरे विद्या भाई आएगा तो 200 एमएलए बन जाएंगे, वो किन के लिए कहते हैं, जो मैदान में भाग रहे हैं मेरे छोटे भाई बड़े भाई उनके लिए कहते हैं, ये सब एमएलए हो जाएंगे। उनको मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1 लाख अगर वोट मिलेंगे तो 1 लाख एमएलए होंगे फुलेरा में, हर वोटर विद्या भाई बनके और फुलेरा का एमएलए बन कहलाएगा, फुलेरा का एमएलए कहलाएगा, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे विधानसभा में भेजोगे और अगर टेलीफोन करोगे किसी अफसर को भी तो यही कहना फुलेरा का विद्या भाई एमएलए बोल रहा हूं, काम ये करना है आपको वो होगा, डरने की जरूरत नहीं है, अगर उसको शक होगा तो वो
वो तस्दीक मैं करूंगा कि हाँ वो एमएलए बोल रहा है और उसका काम करना है। और कोई थाने सक्का संदेह तो कोनी ना भाई, पक्की बात। और कोई बोलेगा कि कोई बुलाने है कोई नहीं, यहां समाप्त करा अब 3 बजे का। तो भाई अब देखो ते बहुत बड़ी संख्या में आया और मन तो देखो तो पतो भी कोनी हो कि बैठो 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 2 मिनट, मन तो पतो भी कोनी हो कि 2 घंटा 3 घंटा एक दिन की परिता लोग आ जाओगा। बड़ी खुशी हुई आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए 25 तारीख को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आपका इस मंच से बहुत बहुत आभार और स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विजयधर चौधरी। गाड़ी की चाबी है, कोई जीप की गाड़ी है मंच पर आकर अपनी चाबी ले ले, गाड़ी की चाबी जिस महिंद्रा की गाड़ी है। निवेदन है कितनी बड़ी तादाद में आपने विद्याधर जी भाई साहब की सभा को सफल बनाया है। भाई की चाबी खो गई हो तो स्टेज से आके प्राप्त कर ले, गाड़ी की चाबी है। संकल्प बहुत बड़ा है और ये संकल्प आज साकार होना सुनिश्चित हो गया है और 3 दिसंबर को जनादेश आने के साथ ही फुलेरा के नए विधायक होंगे श्री विद्याधर सिंह चौधरी। म्यूजिक म्यूजिक बेबी।